किया था, और ख़ास तौर से मिनी बसेस जो गोलकुंडा जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज है बच्चों का, वहाँ पर भी खातिन के लिए बस की जरूरत थी, उसका भी एक लेटर दिया था। और उसी तरीके से कारवान के अंदर जो जागुड़ा सब्जी मंडी आसपास के इलाका जात के अंदर भी जो टू जे बस स्टॉप है वहाँ पर भी 3-4 रूट्स के लिए दिया था, और साथ ही साथ हकीम बेट कुंडा सालार ब्रिज के लिए भी दिया था, जो वहाँ से सिकंदराबाद रानीगंज इधर चार मीनार गया जाने के बसेस कई बसेस बन किए थे, उन तमाम बसेस के लिए MD साहब से नुमाइंदगी किया था, रीजनल मैनेजर से नुमाइंदगी किया था, और वो लेटर भी MD साहब के पास, MD साहब हमारे डिपो मैनेजर के पास आया। मैं तफसीली उनसे बात करने के बाद उन्होंने तयकुन दिया कि 2-3 दिन के अंदर इन तमाम जहाँ पर हम लेटर दे रहे हैं उन उनका मुआयना किया जाएगा, और इसके बाद जहाँ पर मिनी बसेस जरूरत है मिनी बसेस डाला जाएगा, और गोलकुंडा साधु मस को जो टूरिस्ट आते हैं अदर कंट्री के उनके लिए AC बसेस का भी इंशाल्लाह फंक्शन है, इंशाल्लाह वो AC बसेस भी चालू किए जाएंगे, और इंशाल्लाह आज आरोग्य श्री के ताल्लुक से इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से आज के प्रोग्राम के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के MRO गोलकुंडा, RTC की जानी से डिपो मैनेजर मेहंदीपट्टनम और आशा वर्कर दिगर लोग आए थे, और आज के प्रोग्राम में हल्के कारवान के मजलिसी तमाम कारपोरेटर्स, मजलिस के सदर मोहतमद, एक्टिव वर्कर, जिम्मेदार मजलिस आज के प्रोग्राम में शामिल थे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 1-2-3 दिन के अंदर और गए ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उन तमाम प्रोग्राम को हल करने की कोशिश की जाएगी, और इंशाल्लाह आज मैं सुबह में हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात किया गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के लिए, और कारवान में पन्नीपुरा हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए वहाँ पर भी डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर भी स्टाफ की ज़रूरत है, और गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल जो बड़ा हॉस्पिटल है अभी पहले 100 बेडों का जाकर 200 बेड का होगा, वहाँ पर भी स्टाफ की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कई टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को तफसीली बताया, और उन्होंने तयकुन दिया कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर यहाँ पर एक टीम को भेजकर एरिया हॉस्पिटल का मुआयना किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ के जो डॉक्टर्स की कमी है और कई ऐसे कंप्लेंट्स है ये एरिया हॉस्पिटल से पेटला बुरुज को या उस्मानिया को रिफ़र करते हैं उसके ताल्लुक से भी बताया, और मैं इंशाल्लाह 1-2-3 दिन के अंदर कलेक्टर हैदराबाद से भी बात करकर यहाँ पर एरिया हॉस्पिटल के अंदर उनका दौरा कराएंगे, जो यहाँ पर जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो इंशाल्लाह पूरे के पूरे मुकम्मल हो चुके हैं, जैसा कि कोविड के अंदर सदर मोहतरम ने दौरा करने के बाद ऑक्सीजन प्लांट का भी यहाँ पर ज़रूरत थी वो प्लांट भी आ चुका, और ICU का भी था वो भी आ चुका, डायलिसिस के ताल्लुक से था वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर आ गया, इन तमाम चीज़ों का काम चल रहा है, मगर चंद वजूहात की वजह से डॉक्टर्स नर्सेज और कुछ स्टाफ की ज़रूरत है, इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी, और आज के प्रोग्राम में जो जो हमारी जमात के सदर मोहतरम एक्टिव वर्कर्स मोहिबान मस्जिद जो आए उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया खुदा। देखिए बस भी गिरी।